if you about a few decisions, and then Sri Tomaji will brief you. After the briefing, we'll take a few questions. Over to you, sir. Today, Cabinet has taken very important decisions, and the most important decision will be narrated to you by Tomarji. Pehle to CRPF, ITPB, BSF, CISF और सीमा सशस्त्र बल, इन सभी सैन्य सेवाओं के ग्रुप ए वर्ग के जो संवर्ग के अधिकारी है उनको अन्य केंद्रीय सेवाओं के अनुरूप लाभ देने का एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जिसका लाभ 12,000 एक ग्रुप के जो अधिकारी है उनको मिलेगा, और आईएएस से लेकर सभी लगभग सभी सेवाओं को ये लाभ मिलता था, लेकिन इस संवर्ग को नहीं मिल रहा था, ये आज दूर हुआ है, और इनका अपग्रेडेशन फाइनेंशियल होता है, और इसलिए जहां वो काम कर रहे हैं वही उनको ज्यादा इसमें तनख्वाह में वृद्धि होगी, और इसलिए ये एक न्याय देने का भी और हमारे सीमा सशस्त्र जवानों का और सीआरपीएफ के जवानों का बहुत सालों से ये मांग पेंडिंग थी वो आज पूरी हुई है। दूसरा, इसका बाकी कैबिनेट नोट दे रहे, प्रेस रिलीज दे रहे। तीसरा, एक आपको पता है कि देश के एयरपोर्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की एक पहल सरकार ने की, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एयरपोर्ट्स है उसमें से कुछ से वो ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु तीन एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो इसको भी हाईएस्ट बीडर जो है उन्हीं को देने का फैसला भी हुआ है। इससे आज जितना फायदा हो रहा है लगभग 250 करोड़ रुपए, तो उससे 10 गुना ज्यादा पैसा तो अपफ्रंट मिलेगा, और उसके साथ साथ हर साल के मुनाफे में भी वो भागीदार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी। तो ये विन विन सिचुएशन है, ये एक अच्छा उदाहरण है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तीसरा निर्णय है जो तीन ये किए हैं एमओयूज, मालदीव के साथ दो और मोरक्को के साथ दो, उसको भी मंजूरी मिली है। तीन कानून की प्रावधान भी हमने आज मंजूर किए हैं, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो हम उसका आज कोई आपको डिटेल्स नहीं दे सकते, पहले पार्लियामेंट में पेश होंगे। जैसे आपको पता है आर्बिट्रेशन है, वेज कोड है और सरोगसी है, इसके बारे में बिल्स जो आज स्वीकृत हुए हैं कैबिनेट में वो बाद में हम कैबिनेट पहले पार्लियामेंट में पेश करेंगे, फिर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा निर्णय जो है कि कैबिनेट ने आज एक एमएसपी के बारे में सब बताएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि कॉस्ट प्लस 50% इतना किसान को देंगे, वो देने की पहल इस साल भी जारी रहती है, उसके डिटेल्स देंगे। जस्ट टू रिकैप इन इंग्लिश, टुडे यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग एन इंक्रीज इन एमएसपी फॉर फार्मर्स। द डिटेल्स आवर सीनियर कलीग तोमरजी विल गिव यू, बट the cabinet also decided to upgrade and bring in organized group A services to group A executive cadre officers, to officers of CRPF, Indo-Tibetan Border Force, BSF, CISF and Sima Sashastr Bal. So all these thousands of officers will be benefited by this, their financial wages and skills will improve and increased,
This facility is given to more than 53 cadres in that same rank. So this was demand of these all paramilitary forces for years together that has been made. Then we have also decided, cabinet also approved proposal for leasing out of 3 airports of Ahmedabad, Lucknow and Mangaluru of Airport Authority of India through public-private partnership. This is the best win-win situation where upfront payment which will come to Airports Authority of India will be nearly tenfold of their annual profit, and they will also get share of annual profits in the future. Then cabinet has also approved 2 MOUs with Maldives and 1 with Morocco in different fields of cooperation. Cabinet also approved 3 bills, but that I cannot reveal to you the details because parliament session is on. So we will reveal them in parliament and then you will also get it, about arbitration, about wage code and about surrogacy. So that's all from my side. Over to Tomarji. आदरणीय प्रकाश जी और उपस्थित सभी मित्रों, जैसा कि जावड़ेकर साहब ने बताया कि आज मंत्रिपरिषद ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और अनेक फैसलों की जानकारी आदरणीय जावड़ेकर जी ने आप सबके समक्ष रखी है। हम सबके मन में कृषि क्षेत्र के बारे में जिज्ञासा रहती है और यह क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, और इसलिए पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि 5 वर्ष में किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो उस दिशा में अनेक फैसले लिए गए थे और उन फैसलों के अंतर्गत फसल में लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, यह महत्वपूर्ण फैसला था। इसके बाद पीएम किसान योजना, पहले वो 12.5 करोड़ किसानों के लिए थी, नई सरकार बनने के बाद जब पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो शेष किसानों के लिए भी उसको खोल दिया गया, और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किसान पेंशन पा सके 3000 रुपया मासिक, ये फैसला भी मोदी सरकार ने किया है। फसल का उचित मूल्य मिले और लागत का 1.5 गुना मिले, यह पिछले वर्ष से ही सुनिश्चित है और प्रतिवर्ष आप सबके ध्यान में है कि केंद्र सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है। आज भी मंत्रिपरिषद ने बहुत विचार पूर्वक यह फैसला लिया है। सामान्य धान ये 18-19 में 1750 रुपए क्विंटल था, लेकिन 19-20 में जो समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है यह 1815 रुपया प्रति क्विंटल है, 3.7% की वृद्धि है। धान ग्रेड ए, इसका समर्थन मूल्य 1835 रुपया है और इसमें भी 3.7% की वृद्धि है। ज्वार हाइब्रिड 2550 रुपए क्विंटल, इसमें 4.9% की वृद्धि है। ज्वार मालदानी 2570, इसमें भी 4.9% की वृद्धि है। बाजरा 2000
रुपया क्विंटल, इसमें 2.6% की वृद्धि है। रागी 3150, 8.7% की वृद्धि है। मक्का 1760 रुपया क्विंटल, 3.5% की वृद्धि है। तूर अरहर 5800 रुपया क्विंटल, 2.2% की वृद्धि है। मूंग 7050, 1.1% की वृद्धि है। उड़द 5700, 1.8% की वृद्धि है। मूंगफली 5090, 4.1% की वृद्धि है। सूरजमुखी बीज 5650, 4.9%। सोयाबीन पीला 3710, 9.1%। तिल 6485, 3.8% की वृद्धि है। राम तिल 5940, 1.1% की वृद्धि है। कपास मध्यम रेशा 5255, 2.0%। कपास लंबा रेशा 5550, 1.8%। अब अगर इस दृष्टि से हम देखेंगे तो इस वृद्धि का काफी किसान को लाभ मिल रहा है, और अब यह भी दृष्टिगोचर होने लगा है कि अनेक फसलों में जब समर्थन मूल्य तय करते हैं तो निश्चित रूप से लागत के आकलन का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसमें अब यह भी दिखाई देने लगा है कि लागत कम करने के प्रति भी किसान काफ़ी चिंतित है और सरकार के जो प्रयत्न हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं समर्थन मूल्य को हम देखें तो कुछ की तुलना में आपको 2013-14 से करना चाहता हूँ। जैसे सामान्य धान यह 13-14 में 1310 रुपया कुंटल था और 19-20 में 1815 हुआ। इसी प्रकार से हाईब्रिड ज्वार यह 13-14 में 1500 रुपये कुंटल थी, आज 2550 रुपया कुंटल है। रागी को देखेंगे तो 13-14 में 1500 रुपया कुंटल थी, आज 3150 रुपया कुंटल है। अरहर की दाल अगर हम देखेंगे तो 4300 रुपया कुंटल 13-14 में थी, आज 5800 समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। उड़द की दाल ये भी 4300 थी, आज 5700 पर पहुंच रही है। कपास को देखेंगे तो 3700 था, अब 5255 हो गया है। ऐसे लगभग लगातार इस मामले में बढ़ोतरी हो रही है और किसानों को अब ठीक प्रकार का मूल्य मिले इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है, और उस प्रतिबद्धता पर सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। खेती हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है, और इसलिए कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और पूरी सरकार इस प्रयत्न में लगी हुई है कि 2022 तक जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने तय किया है विभिन्न आयामों पर काम करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बहुत धन्यवाद, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क। हुई है जबकि मुद्रास्फीति की दर उससे अधिक रही है, तो कहीं किसानों को नुकसान तो नहीं हो रहा है इसमें सर? किसान को सामान्य तौर पर नुकसान की स्थिति नहीं है, लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि खेती का जो विषय है वो बाकी सब करने के बाद भी प्रकृति पर आधारित रहता है, लेकिन मैं समझता हूं अभी ऐसी स्थिति किसी भी फसल पर नहीं है। यस, जावड़ेकर साहब से सवाल है कि वेदर द पैकेज फॉर बीएसएनएल हैड कम अप फॉर डिस्कशन इन द कैबिनेट? यस, नास्क पर बार बार बात होती है, लेकिन
दिया कैसे जाएगा, सुनिश्चित कैसे किया जाए, क्योंकि आपके स्टेट से पहले एक चिट्ठी आई थी पासवान के मंत्रालय में कि गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, तो मिले कैसे किसानों को, ये कैसे कुछ सुनिश्चित करने का आप लोगों ने? देखिए, एमएसपी घोषित करना, एमएसपी पर एक निश्चित मात्रा के अंतर्गत खरीद हो, इसे केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है। लेकिन हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार की एजेंसियां भी, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे नेफेड हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, ये जब खरीद करती हैं तो राज्य सरकार के माध्यम से ही खरीद करती हैं, और इसलिए राज्य सरकारों को थोड़ा सा अपने यहाँ पद्धति अच्छी से अच्छी बनाना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश केंद्र को कुछ दे पाए तो केंद्रीय पूल में उसकी गिनती नहीं होती थी, और जब राज्य सरकार ने खेती पर काम किया, सिंचाई पर काम किया, बिजली पर काम किया, तो मध्य प्रदेश उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ गया है, और निश्चित रूप से जो खरीदने की व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में भी अच्छी है। लेकिन ये और अच्छी बनाते रहें जिससे कि किसान की फसल खरीदी जा सके और उसको अच्छा मूल्य मिल सके। सर, मैं लोकमत से हूँ, इधर सर, इधर सर, लोकमत से। सर, ये जो फसल की खरीदी है, जो एमएसपी देने की जो आपने शुरुआत की है, उसमें ये है कि किसान जो है रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना मंडी में जाकर, ई रजिस्ट्रेशन, और उसके थ्रू जो है उसकी फसल खरीदी जाएगी। जो किसान नहीं करा पाएंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान आपने किया है जिससे उसे एमएसपी पे मिल पाए, मतलब जो आप लाभ देना चाह रहे हैं वो मिल पाए, उसके लिए क्या प्रोविजन किया है वो थोड़ा बताइए आप। देखिए, सामान्यतः पहले ये होता था कि किसान मंडी में पहुंचता था और उसके बाद उसकी फसल तुलती थी। कई बार ऐसी भी स्थिति आती थी कि फसल को तुलने में एक एक हफ्ते का समय लगता था। जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है तो ये सारे काम सरलता से आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य तौर पर राज्य शासन अनेक स्थानों पर ये कोशिश करते हैं कि जो किसान फसल का उत्पादन किए हैं वो मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो मंडियां स्वयं उनको सूचना देती हैं कि अमुक तारीख को आप आ जाइए तो आपकी तुलाई हो जाएगी। इससे किसान को ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ता, किसान को परेशानी नहीं होती, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन में आने में मुझे लगता है किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होगी। सर, मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज़ से। मेरा दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि अभी तक जो मानसूनी बारिश हुई है उसमें करीब 30% से ज़्यादा एक कमी देखने को मिली है, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी कृषि मंत्रालय की है कि अगर उत्पादन या बुआई में कमी आती तो क्या तैयारी लेंगे? दूसरा कि इस MSP के बाद एक गन्ने की FRP तय भी की जाती है इसी सीजन के आसपास, तो उस पर कब तक हम फैसला होता हुआ देख सकते हैं? बरसात निश्चित रूप से थोड़ा सा इस बार लेट है और ये सभी के लिए चिंता का विषय है, सरकार भी इसके प्रति पूरी तरह गंभीर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्षा अधिक भी होती है तो भी देश का कोई ना कोई भाग ऐसा होता है जो सूखे की चपेट में आ जाता है, और जब वर्षा कम होती है तो सूखा होता ही है। लेकिन इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भारत सरकार की राज्य सरकार के साथ मिलकर रणनीति बनी है और लगातार हम राज्यों के साथ चर्चा में हैं और राज्यों को अवेयर कर रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी तो उस दिशा में कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी सामान्य तौर पर जो मौसम का अनुमान है उसमें ऐसा लगता है कि सामान्य वर्षा होगी। गन्ने की FRP के बारे में मेरी जानकारी है नहीं। सर, आई एम रुचि भाटिया फ्रॉम you also did talk about price, sir, it's not working.
So you also spoke about privatization of three airports. My question is, why only three airports when earlier in the previous process, Adani came out as the highest bidder in all the six airports? And did the proposal of the Ministry of Civil Aviation specify that only three airports privatized at this point of time? No, where the process is complete, those three have been, wait for next. Okay. Yeah, that is what I said, actually. Last question. We'll take that. Last question. Other than cabinet, sir, one question. You know, Congress president has tendered his resignation. He has tweeted his resignation letter, and he has said that, you know, that democracy is fundamentally weakened in this government, and elections in future will be mere formality. ऐसा है हमारे पार्टी में तो चुनाव का टाइम टेबल सदस्य का टाइम टेबल बन भी गया काम भी शुरू हो गया हमारे कार्यकर्ता के अध्यक्ष भी है अब दूसरे पार्टी में कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं थैंक यू वेरी मच लेडी जनरल उसके लिए दूसरी पार्टी को धन्यवाद ही दिया जा सकता है आप इसी तस्वीरें देख रहे थे कैबिनेट कमेटी के फैसलों के बाद में उसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय